हेलो गाइस वेलकम बैक टू द टेक ऑन टॉप और मैं हूं अपूर आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं 499 हंड्रेड का एक ऐसा नेक बैंड अरोमा कंपनी की तरफ से वैल्यू फॉर मनी जो है प्रोवाइड करेगा एटलीस्ट ऑन द पेपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है और जितना भी इसका प्रोज एंड कॉज हम लोग आगे वीडियोज में बात करेंगे तो so, ये मैंने जो है नेक बैंड ये बाय करा था फिफ्टी ऑफ फेब्रुवरी को मेरे पास डिलीवर हो गया था मैंने इसे दो दिन यूज करा आज है सेवनटीन ऑफ फेब्रुवरी और मैंने इसको जो है पूरा ऊपर से लेकिन

के अभी यहाँ पे रख दू और मैं फुल आवाज कर लू तो मेरे इतनी दूर बैठा हुआ हूँ मैं कम से कम मेरी आर्म पे पे बैठा हुआ मैं तब भी मुझे बहुत तेज आवाज़ आती है है ठीक तो कभी भी इन जो प्रोडक्ट्स को होते हैं वो आप जो है ज्यादा हंड्रेड परसेंट पे यूज ना करें इवन दो मेरे पास मेरे, जो है ये एप्पल के एपॉड्स हैं और इनकी जो साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी है अगर ये आप हंड्रेड परसेंट पे भी यूज करें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन फिर भी मैं कभी भी फिफ्टी या सिक्सटी से ऊपर नहीं जाता हूँ और इनकी तो मतलब बात अलग है कि ये जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है लेकिन भी इसका नहीं लगता है इतना लेकिन आप अपने कान को जरूर बचाए और इसको जो है थर्टी या फोर्टी परसेंट के ही बीच में तो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो देख लेते हैं ये है इस हंड्रेड इस ऑफ का का, मतलब आप एक इसे चार्ज कर लो और ये सौ घंटे चलेगा imagine, बहुत तगड़ा है और आप इसे देखेंगे इसमें आपको मिलता है, में आपको मिल रहा है टाइप सी और अगर आप इसे टेन मिनट चार्ज करेंगे तो फाइव आर के जो है आपको प्ले टाइम देगा इसमें जो है आपको इन इक्वलाइजर मिल जाता है इन बिल्ट इक्वलाइजर मिल रहा है तो एक ये बहुत अच्छी चीज है साइड में तो ब्लूटूथ है तो टेकिंग बैक में देखेंगे यहाँ पे तो कुछ लिखी हुई है अमाउंट है थ्री थाउजें टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन लेकिन फ्लिपकार्ड लिस्टेड है आप इसे ले सकते हैं ठीक है तो कुछ जो इसके फीचर्स एडिशनल है वो ये कि इसमें डुअल पेयरिंग है मैग्नेटिक आते हैं टाइप सी की हमने बात कर ली थी फाइव पॉइंट का ब्लूटूथ मिल जाता है आई पी फोर प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ है ये और इन माइक्रोफोन है और इसमें स्मार्ट असिस्टेंट का भी कंट्रोल हमें मिल जाता है ऑल मैंने स्मार्ट असिस्टेंट जो है यूज नहीं करा लेकिन ये सारी है बॉक्स का करते हैं इसे अनबॉक्सिंग देखते हैं क्या है मैंने देखो पहले ही कर ली थी तो यहाँ से थोड़ा सा फट गया था आई वो रियली इम्पोसिड एट मोमेंट। तो जैसे अगर आप इसे अनबॉक्स करेंगे तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा अंदर. इनके जो है मैंने लास्ट टाइम भी एक मंगवाए थे तो वो भी ऐसे ही आए थे मगर इनके जो ये मैंने मंगवाया था एन बी वन फोर्टी धमाल मंगाया था उसकी जो पैकेजिंग थी वो रियली इम्प्रेसिव थी और ये वाले जो इयरबड्स ये फाइव हंड्रेड रुपीज के अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख लीजिएगा मेरी बेस्ट वीडियो है अभी तक ये सो करते हैं अब इसे अनबॉक्स ओके okay. तो ये ग्रीन कलर के अंदर मैंने इसे मंगवाया हुआ है ये चीज मेरे को अरोमा की बहुत अच्छी लगती है इन्होंने ये ये जो यहाँ पे स्लाइडर्स देते हैं केबल मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को अगर क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अगर हम इस साइड में देखेंगे यहाँ पे इनके लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है एक पावर ऑन ऑफ बटन और ये जो है प्ले एंड पॉज बटन भी है ये आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाएगा अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो प्रीवियस या फिर नेक्स्ट ट्रैक पे आप मूव कर सकते हैं और ये है इसका माइक्रोफोन और यहाँ पे इक्वलाइजर मतलब कभी कबार आपको जो है डिफरेंट टाइप की म्यूजिक जनर्स होते हैं तो आपको चेंज करना पड़ सकता है इक्वलाइजर मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूजिक जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज होंगे फॉर एग्जाम्पल एक जैसे रॉक कैटेगरी हो गई तो रॉक कैटेगरी में जो होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटल होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं बेस होता है वो ज्यादा हाई होता है तो इसी टाइप के इसमें चार इक्वलाइजर मिलते हैं जैज रॉक और कुछ तो समझ में ही नहीं आता है क्योंकि वो बोलता है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है तो ऐसा है दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ अरोमा की ब्रांडिंग पीछे कुछ भी नहीं सो जो थे ये वाले जो नेकबैंड है अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम अगर ऑन करेंगे ना तो जब ये आप बोलेगा जब आपको ये बोलेगा टर्न ऑन तो आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट टाइम भाई कितनी गंदी क्वालिटी है लेकिन वो इसके इनबिल्ड वॉइस है है वो बोलती है, लेकिन उसके बाद जो 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 है जो है वॉइस वगैरह जब म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो ठीक है एक चीज और बताऊ जब मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहा था जब ये जिस फर्स्ट डे आई रहा था तब इसके ये जो रबर राइज वाले जो टिप्स है ये थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल लगे ये वाले जो है इसके और वैसे भी मैं कभी भी अब जो है जब से मैंने अपने एप्पल के ये वाला डिजाइन जो विदाउट रबर और सिलिकॉन केस वाला जो डिजाइन जब से मैंने इसे यूज करा है तब से मैं ये वाले जो रबड़ वाले हैं इन्हें जो है यूज ही नहीं करता हूँ एक और चीज अगर मैं इसके बारे में बताऊं जब ये नया नया आता है और जब आप इसकी इस चीज को स्मेल करते हैं तो एकदम पता नहीं अजीब सी जैसे केमिकल वाली स्मेल होती है वो आती है इसमें से तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक है सही है अच्छी है प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है मैंने इसे पूरा अभी तो आपके सामने कुछ नहीं कर रहा लेकिन मैंने इसे खूब अच्छे से कर दिया था बट ये बहुत अच्छे से जो है वर्क कर रहा था डिजाइन वगैरह कोई नहीं है प्राइस को कंसीडर करा जाए फाइव हंड्रेड रुपीज में जो है आपको मिल जाते हैं चलो अब आते हैं इसके कुछ प्रोज पे कुछ कॉन्स पे आते हैं ठीक है प्रोज इसके जो मैंने आपको बता दिए इसका बिल्ट अच्छा है इसके अंदर एक ये बहुत यूनिक चीज है इक्वलाइजर की जो कि कहीं कहीं ना कही थोड़ा बहुत साथ देती है बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है टाइप सी मिल जाता है जिसमें फास्ट चार्ज भी सपोर्ट है जिसमें आप अगर आप अगर चार्ज करेंगे तो फाइव आवर्स का आपको बैकअप मिल जाता अच्छा है लेकिन आपको फास्ट चार्जर से ही चार्ज करना पड़ेगा तो ये थे कुछ इसके प्रोज अब बात कर लेते हैं भाई कॉन्स की तो जब भी मैं वैसे अपने फोन के साथ पेयर करता हूँ तो ये पेयर तो हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें लेकिन ना इसके ना इस वाले एयरबर्ड्स में से एक डिस्टोशन की साउंड आती है पिंक पिंक

आप लोगों को जरूर जो है इसको सुनाऊंगा कि कैसी साउंड आ रही थी वो कनेक्ट है लेट मी ट्राई कुछ चला के देखते हैं स्पॉटिफाई तो ये जो है अभी मैंने कनेक्ट कर लिया था अभी मैंने प्ले करा तो वो वाली जो साउंड है वो फिर से आ रही है देखते हैं कि मेरा जो ये प्रोफेशनल वाला माइक है तो ये उसे जो है कैच कर पाता है या नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसे इस क्लोज कर दूंगा और फिर आप देखना क्या आ रही होगी या नहीं टिप पे टिप आती है टिप मैं इसे जो है इसकी जो वॉल्यूम बढ़ा भी देता हूँ तो शायद अब देखना आप मैं अब क्लोज कर रहा हूँ बिल्कुल एयरफोन से जैसे कि अगर मैं ये वाला अब मैं देखो प्ले कर रहा हूँ बर्थ लगा हुआ है मेरे माइक्रोफोन में कितना लाउड है ये कितना लाउड है आप देखो और अब मैं जैसे ही इसे करता हूँ पॉज अब पॉज के बाद देखना शायद आपको आ मैं भी चेक कर लेता हूँ यार वो वाली जो साउंड है वो राइट वाली साइड से वो अभी भी आ रही है तो, है या पे, तो पे इसकी जो थी, वो थी दो जो बंदों की थी वो अच्छी नहीं थी थर्ड वाला बंदा था वो रहा था ओके लेकिन अगर मैं बताऊँ की अगर ये वाला जो ईयरबड है अगर इसमें वो वाली छंछ जो राइट हैंड साइड में जो डिस्ट्रोशन सी आ रही थी इवन दो मैं पॉज भी कर दू म्यूजिक तब भी तो अगर वो ना हो तो उस हिसाब से अगर हम प्राइस पॉइंट देखा जाए तो ठीक है आपका जो है फोर हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन रुपीज में आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी तो ये थे इसके तो कुछ कौन कौन मुझे एक ही दिखा है इसका फिर मैं जो है इसके, इसके साउंड बारे वगैरह में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भाई फाइव हंड्रेड रुपीज में आपको नेक बैंड मिल रहा है विद हंड्रेड आवर्स ऑफ प्ले बैक टाइम और क्विक चार्ज मिल रहा है टाइप सी मिल रहा है लेकिन उसमें जो है अगर आप फिर भी बोले की जो साउंड क्वालिटी है वो नहीं है तो ये जस्टिफाइबल नहीं होगा फाइव के बजट में ये ओके है साउंड क्वालिटी ओके ओके है बस जो चीज है कि ये जो है प्रोडक्ट ज्यादा चले वारंटी की अगर बात करूं तो फ्लिप पे जो है सिक्स मंथ की जो है वारंटी है है। चाहिए जिनका बजट तो जिनका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है जो फाइव से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा सकते हैं तो भाई ये वाला जो मैं बोलूंगा ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी मैं पहले ही बता दूं आपको ऑडियो बेस जो होगा वो ओके ओके होगा ओके ओके मतलब वो नहीं अब डीप बेस आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल जो आप सोच रहे हो कि इन ईयर है रबराइज इसके टिप्स हैं तो आपको जो है बहुत ही ज्यादा डीप बेस मिलेगा नहीं डिब्बे डीप बेस वगैरह नहीं आपको नॉर्मल एकदम बेस मिलेगा ओके ओके सी आ, साउंड क्वालिटी मिलेगी बट मैं ये फिर से बोलूंगा अपने जो इसकी वॉल्यूम है इसे थर्टी या फोर्टी से ऊपर मत करना वरना आप अपने ईयर्स को जो है नहीं मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे मैंने जो है रिव्यू के लिए ये भी मंगवाया था ये भी रिव्यू के लिए मंगवाया था अदरवाइज मैं हमेशा जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ वो जो है इंजीनियरिंग और प्रिसिजन के साथ बनाए जाते हैं थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो हमारे ईयर्स के लिए भी अच्छी होती है और वो लॉन्ग टर्म भी होते हैं तो इस वजह से मैं उन्हें चुनता हूँ लेकिन उनका जो है मेरे को करना था इसलिए मैंने ये मंगवाया अब देखो इसका क्या होता है तो ये जो है थे ये था नेक अरोमा की तरफ से और बिल्ड विल्ड का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और साउंड क्वालिटी इज गुड तो देख सकते हैं आप कंसिडर कर सकते हैं फोर हंड्रेड में बहुत अच्छा ऑप्शन है हंड्रेड आवर्स की बैटरी बाइक फास्ट चार्ज मिलता है आपको इसमें और इक्वलाइजर सपोर्ट मिलता है ओके ओके सी साउंड मिलती है तो ओवरऑल इट्स अ गुड अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो देख सकते हैं बट मेक श्योर करना अगर आपको ऐसी डिस्ट्रोशन आ रही हो जैसे मेरे को राइट वाले ईयरबर्ड में आ रही थी तो आप जो है उसे तुरंत रिप्लेस करवा लें अगर आपके वाले में नहीं आई है तो इट्स ओके ओके एंड गुड सो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू होपफुली आपको जो है बाइंग डिसीजन में ये हेल्प करेगा अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए थैंक यू मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर योर टाइम दिस इज अव फ्रॉम टेक ऑन टॉप साइन इन ऑफ बाय